हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ बिगनर क्लासेज में। और हम पढ़ क्या रहे हैं, एलसीएम और एचसीएम। कल हमने एलसीएम और एचसीएम पूरी डिटेल में आपको समझाया होता क्या है एलसीएम और एचसीएम। और आज और एक बात और जान लीजिए, एलसीएम और एचसीएम से पूरे 6 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, जो अब हम टाइप वाइज टाइप आपको बताएंगे। टाइप 1 प्रकार क्वेश्चन कैसे पूछेगा, टाइप 2, टाइप 3। आज हम बताएंगे टाइप 1 प्रकार क्वेश्चन। एक फॉर्मूला लिखवाएंगे जो एलसीएम से आता है, एक फॉर्मूला लिखवाएंगे और उससे जितना प्रकार का क्वेश्चन बनता है उस सभी प्रकार का क्वेश्चन आज हम पहले समझाएंगे, वो टाइप 1 के अंतर्गत आता है। और कल हम आशा करते हैं कल का टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। सामने जो आपके फॉर्मूला लिखा है इससे हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन फिक्स है। आप एकदम इसको डिटेल से समझिएगा, एकदम ध्यान एकत्रित करके, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लसा इंटू मसा, यानी कि फर्स्ट नंबर को पहली संख्या इंटू मल्टीप्लाई सॉरी दूसरी नंबर बराबर क्या होता है, लसा इंटू मसा। ये फॉर्मूला एकदम अपने माइंड में बैठा लीजिए। क्या करेगा क्वेश्चन, देखिए क्या करेगा, फर्स्ट संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, लॉसा दे देगा, मौसा पूछ लेगा, या देखिए सेकंड नंबर दे देगा और फर्स्ट नंबर दे देगा, सेकंड पूछ लेगा, एलसीएम और एचसीएम क्वेश्चन में दे देगा। तो अब इसी पे हम पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पूरी पूरी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को अब खत्म करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोला है यार, इधर ध्यान दीजिए। देखिए बोल रहे दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 225 है, 225 है, तथा उनका एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है, देखिए पहली संख्या दे दिया है, एक संख्या क्या है 25 है, देखिए पहली संख्या दिया था, देखिए जैसे जैसे हम आपको बताया ना बस उसी तरह, देखिए हम बस फॉर्मूला पे रखते जाएंगे, देखिए आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए तो पहली संख्या देखिए क्या दिया है 25, तो यहाँ 25 रख दे रहे हैं मल्टीप्लाई, और दूसरी संख्या ही पूछ रहा है कि इसको हम मान लेते हैं एक्स, दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या एक्स, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं आप फ्री है, ठीक है। देखिए इक्वल टू, अब देखिए क्या है फॉर्मूला में, क्या एलसीएम, तो देखिए एलसीएम कितना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है दिया है 225 इंटू, अब देखिए एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, यदि एचसीएफ कितना दिया, सॉरी एचसीएफ कितना दिया है 5, देख लीजिए एचसीएफ कितना दिया है 5, देखिए अब हो गया। अब इसको आप आसानी से काट सकते, देखिए कभी भी ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, देखिए तो 5 के में 25 कट जाएगा, ये 5 25 कितने मर्स में कटा है 5 मर्स में कट गया, 5 मर्स में ये कट गया। अब इधर 5 आया ना तो 5 से अब एक्स यहाँ क्या है 5 इंटू एक्स बराबर 225, अब x बराबर क्या हो जाएगा 225/5, बस अब इसको आप काट दीजिए, देखिए 5 को 20 होता है रिमाइंडर 2 बचता है, यानी 20 होता है रिमाइंडर 2 बचता है, 2 यार का 25 होगा तो 5 25, यानी के x बराबर कितना हो गया 45, यानी 45, यानी x बराबर कितना आया 45। तो वही पूछ रहे हैं कि दूसरी संख्या क्या है 45, बस यही तो पूछ रहा है, क्या इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, और इसी से आपका एक नंबर जब क्लियर होने वाला है समझ लीजिए। तो चलिए अब इसी पे अलग अलग टाइप क्वेश्चन बनता है, अब इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, अभी संख्या हमको नहीं बता रहा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 4107 है, यदि उनका एचसीएफ 37 है। एचसीएफ मैंने आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होता है कॉमन होता है, तो दो संख्याएं दोनों में एचसीएफ कॉमन हो गया, यानी कि 37 जो है 37 जो है दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, ये क्लियर हो गया होगा। तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, पहली संख्या मान लीजिए क्या है, पहली संख्या क्या है एक्स, एक्स क्यों मानेंगे नहीं, ये कॉमन है ना, एचसीएफ
37 कॉमन है तो पहली संख्या क्या होगा 37x, और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर 37y। ये आपको समझ में आया होगा कि 37x और 37y क्यों लिए, क्योंकि एचसीएफ हमेशा दोनों में कॉमन ही होता है, ये तो आप पता ही, ये बताए भी हैं। तो एचसीएफ 37 दिया है, तो उनका क्या पूछा, सबसे बड़ी, यानी पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, हो जाएगा वो भी हो जाएगा। देखिए तो देखिए इन दोनों का गुणनफल ही तो दिया है, यानी कि 37x इंटू 37y इक्वल टू कितना दिया है 4107। देखिए क्वेश्चन जो बोला वही बोला है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 4107। ठीक, अब देखिए, तब इसको देखिए, ये गुणा में, ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 4107 बटे 37 गुणे 37। ठीक है, अब देखिए इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो पूरी एक्स और वाई बराबर क्या हो गया, ट्रिम अर्थ में ये पूरी कट जाएगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आया 3 आया, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आया, ये संख्या वही संख्या एक्स वाई जो माने थे, यानी कि अब यहाँ पर क्या बना, इसका संभवतः 3 पेयर बता रहा है, संभवतः 3 पेयर हो सकता है। तो देखिए, तो कभी भी हम क्या बनाते हैं, को प्राइम नंबर ही बनाते हैं। देखिए तो इसका एक्स वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1, 3, और हमको लेना क्या है संख्या, इसमें लेना क्या है सबसे बड़ी वाला संख्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो यानी कि 3 लेंगे, 3 इंटू उनका मौसम कितना था 37, ये सबसे बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाला लिए है। ठीक है, बड़ी अगर छोटा बोलता तब 1 से मल्टीप्लाई किए होते, या बड़ा बोल रहा है तो बड़ा है तो 3 से गुणा करेंगे। आप मौसम देखिए, बड़ी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या माने थे ना, इसको पहली संख्या ये हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, आप इसे गुणा कर दीजिए, 7 3 21 हासिल बचा 2, यानी रिमाइंडर 2 बचा, 3 3 9 2 11, संख्या कितनी आ गया 111, समझ के ये बड़ी संख्या हो गया, और उसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, छोटी संख्या मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम एक ही क्वेश्चन को देखिए कितने प्रकार के, देखिए कितना अलग अलग क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, और देखिए हम स्टार्ट किए थे पहले क्वेश्चन देखिए सिंपल था, दूसरे में कुछ अलग किया, तीसरे में कुछ अलग किया, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए बोले दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया है 44 और 264 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 44 और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया है 264। ठीक है, अब देखिए यदि पहली संख्या को, क्या पहली संख्या आपको पता है नहीं पता है, देखिए यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, यानी कि पहली संख्या 2 से डिवाइड किया जाए तो भाग पर 44 आता है। देखिए यहां से हम संख्या निकाल, देखिए पहली संख्या आप लोग मालूम नहीं है, कह रहे यदि पहली संख्या को, यहां बोला यदि पहली संख्या को 2 से, किससे 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है 44 आता है। अब सोचिए खुद आप कॉमन सेंस लगाइए, खुद कॉमन सेंस लगाने वाला है, यहाँ 44 आएगा कब, अरे भाई हम 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे 44 आएगा कब, कब आएगा जब यहाँ 88 होगा तभी यहाँ 44 आएगा, क्यों 88 होगा, देखिए 2 चौको 8 यानी कि यहाँ पहली संख्या क्या होगा 88 होगा, यही कॉमन सेंस क्वेश्चन में था, बस यही लगाना था, यानी कि पहली संख्या अब हम लोग को मिल गया, पहली संख्या क्या हो गया, तब फॉर्मूला में आप आराम से अब लग सकते हैं, पहली संख्या देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएम। ठीक है, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, अब देखिए पहली संख्या हमको मिल गया कितना 88 इंटू, पूछा गया दूसरी संख्या, पूछ गया तो मान ली दूसरी संख्या एक्स है। ठीक है, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम देखिए 264 और एचसीएफ कितना दिया है 44,
सब कुछ दिया ही है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन मैंने बस कार्बन से यही पे लगाना था। अब इसको काट दीजिए, देखिए ये 44 दूना 88 हो जाएगा, दो मर्ज में कट गया। अब दो से 64 कट जाएगा, यहां कट दो कहने दो अधूत के छो अधू दूना चार, यानी कि x बराबर क्या हो गया 132 यानी 132 आंसर। देख लीजिए कितना आसानी हो गया, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो गया 132 132 यही था। देखिए क्वेश्चन किस तरह चेंज करते जा रहा है आप कुछ देखिए, और इसी तरह एग्जाम पूछता है चेंज कर करके, और उसी तरह हम बता तो रहे हैं टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। प्लीज आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, हम एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। चलिए देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए बोला यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है एक संबंधी वाई है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, ध्यान दीजिएगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात एक संबंधी वाई हो तो और जेड उनका एचसीएफ हो। अब एचसीएफ बताए थे, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सब में ये कॉमन होता है हाईएस्ट, यानी कि जो जेड है इन दोनों में कॉमन होगा तो ये क्या लिखेंगे जेड एक्स, पहली संख्या क्या हो गया जेड एक्स और दूसरी संख्या क्या हो गया जेड वाई, ठीक है। ये एचसीएफ कभी भी क्वेश्चन में आ जाए तो दोनों संख्याओं में हमेशा एचसीएफ कॉमन रहता है, तभी तो निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अब एचसीएफ हो गया तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया। अब देखिए पहली संख्या मिल गया, दूसरी संख्या मिल गया और एचसीएफ मिल गया, एचसीएफ कितना है जेड, तो एलसीएम अब आराम से हम निकाल सकते हैं, आपको भी पता होगा कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। तो पहली संख्या जेड एक्स इंटू दूसरी संख्या, फॉर्मूला हम रख रहे हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या है जेड वाई बराबर, उसके बाद क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ कितना है जेड इंटू एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम ऐसे ही लिख दीजिए एलसीएम। अब देखिए कितना आसान हो गया, इसमें देखिए जेड कॉमन है तो इसमें जेड कॉमन कर लीजिए एक्स वाई, एक्स इंटू वाई आप है कोष्ट में जेड गुणे एलसीएम। अब देखिए यहां जेड से जेड कट गया तो एलसीएम क्या हो गया एक्स वाई। देखिए कितना आसान कितना इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बस यही पे ध्यान देना था एचसीएफ जेड हुआ, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। बताने से पहले हमको एक चीज बताना बहुत जरूरी था, भीम जब कोई एलसीएम एचसीएफ कोई भी भीम के रूप में आ जाए तब आप कैसे उसका निकालेंगे ये बताना बहुत जरूरी था, इसीलिए पहले आप ये समझ जाइए कि भीम का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब भी भीम के रूप में कोई क्वेश्चन आ जाए और इसका पूछे एलसीएम या एचसीएफ पूछे, तो उसके लिए देखिए अगर एलसीएम पूछे ध्यान दीजिए, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला क्या निकालते हैं एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे, अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहे तब देखिए ये एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तब आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे उसका एचसीएफ और बटे एलसीएम, समझ गए। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब क्वेश्चन में कभी भी एचसीएफ पूछे तो सबसे पहले ऊपर वाले जैसे अंश जो है ना, देखिए ये अंश है ऊपर वाला तो उसका एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम, जैसे अभी क्वेश्चन पर क्लियर हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन देखिए एलसीएफ पूछा है, इसका क्या पूछा है एलसीएम, जब एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले क्या निकालेंगे 2π(7,3) बटे 3π(6π)9π(18). अब देखिए तो ऊपर वाला क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम और इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ, समझ गए। इसका क्या देखिए अब इसी क्वेश्चन देखिए अगर एलसीएम पूछा है तो ये क्या कर दिए, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का
एचसीएफ, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसका एलसीएफ निकाल लीजिए ऊपर वाला का 2573 का। तो देखिए आपको इसको सिंपल से ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी करके, ऐसे करके निकाल लीजिए 2573, ऐसे करके निकाल लीजिए, उससे अच्छा रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जो टू से ही कट गया, ये फाइव हो गया, यहाँ सेवन हो गया, यहाँ थ्री। अब देखिए ये फाइव से भी कट जाएगा, वन वन हो जाएगा, ये सेवन कमर थ्री। अब देखिए ये सेवन से कट जाएगा, ये वन वन, ये थ्री। ये देखिए ये थ्री से भी कट जाएगा, तो पूरा वन 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 हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए सात बचे पैंतीस, पैंतीस दूना सत्तर, सत्तर तिया सत्तर तिया कितना होता है, सत्तर के दो सौ दस। यानी कि इसका एलसीएम क्या निकल गया ऊपर वाले का, देखिए अब यहां से देखिए इसका एलसीएम कितना निकल गया, 210। एलसीएम कितना निकल गया, 210। और अब इस, अब नीचे वाला क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए थे सबसे छोटा वाला नंबर तो चेक कर लेना है। देखिए तीन से ये भी कर रहे, तीन गुना छह, तीन तरीके नौ, और तीन छके अठारह, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया, तीन। अब इसको आप चाहें तो और भी काट के सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या हो गया, ये आंसर हो जाएगा। कभी भी देखिए इस क्वेश्चन का रियल में आंसर, यानी बटे वाला क्वेश्चन में जब भी आए, कभी भी क्वेश्चन पूछे, देखिए जो भी देखिए एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे वाला का एचसीएफ निकाल लीजिए। अगर एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ निकाल लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लीजिए। अब इसी क्वेश्चन में आप चाहे तो इसी का एचसीएफ भी निकाल सकते थे। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता कि इसका एचसीएफ निकालिए, तब क्या करते, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते हैं आप और नीचे वाला का एलसीएम। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा हम कहना क्या चाहते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन था, इसीलिए पहले ही आपको बता दिए हैं, आगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए। चलिए अब चलते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये आज हम लोग पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें देखिए क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोले भीम तीन बटे चार, नौ बटे दस, पांच बटे सोलह के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इस क्या होता है, उल्टा। देखिए यानी कि तीन बटे चार का व्युत्क्रम क्या होगा, तीन बटे चार का व्युत्क्रम क्या होगा, चार बटे तीन होता है, ठीक है, उसी को व्युत्क्रम बोलते हैं, बस उसका उल्टा कर देना। ऐसे ही नौ बटे दस का व्युत्क्रम क्या होगा, दस बटे नौ। ऐसे ही पांच बटे सोलह का व्युत्क्रम क्या होगा, सोलह बटे फाइव। देख लीजिए ये हम अभी व्युत्क्रम किए हैं, बोला व्युत्क्रमों का, अब इसका एचसीएफ निकालना है। अब देखिए किसका निकालना है, फोर बटे थ्री कामा टेन बटे नाइन कामा सिक्सटीन बटे फाइव का क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। अब बताए थे जब एचसीएफ निकालना होता है तब ऊपर वाले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, यानी फोर टेन सिक्स बटे थ्री नाइन फाइव। अब ऊपर वाला क्या निकालेंगे, इसका इसका एचसीएफ निकालेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे, बस यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। देख लीजिए अब कितना आसान हो गया। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, अब चार फोर और टेन और सिक्सटीन का एचसीएफ अब निकालना जानते हैं। देखिए सबसे पहले बताया से छोटा वाला डिजिट चेक करना है। देखिए चार चौक सोलह तो कट जा रहे हैं, दस नहीं कट रहा है, तो चार का फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए किससे कटता है, टू से कटता है, फोर से कटता है, ठीक है, ये फोर, ठीक है। अब देखिए चार से तो हम लोग चेक कर चुके हैं, चार से ये कट जा रहा है, सोलह निकल रही, टेन नहीं कट रहा है। अब टू से चेक करेंगे, इससे नहीं हो पा रहा है, अब टू से चेक करेंगे, दो दुना चार, दो पच दस, दो अटे सोलह, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, टू, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, टू, इसका एचसीएफ निकल गया टू। अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, किसका किसका एलसीएम निकालेंगे, थ्री नाइन और फाइव। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, देख लीजिए ये देखिए थ्री से कट दीजिए, थ्री कनेक्ट थ्री, थ्री थ्री जा नाइन और यह फाइव हो जाएगा। अब देखिए फिर ये थ्री और ये थ्री हो जाएगा, यहाँ फाइव हो जाएगा। अब देखिए अब ये फाइव से कट दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री, पांच पंद्रह, पंद्रह यहाँ पैंतालीस। देख लीजिए कितना आसानी से हम लोग एलसीएम निकालिए। देखिए
उसमें कुछ नहीं है, बस आपको जैसे बताए थे वैसे ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा रहा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन का घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्या कीजिएगा, प्लीज अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं कल, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा क्लास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।